मैंने कहा मेरे बाबा को छोड़ दो, मुझे मेरे बाबा चाहिए, मुझे सच्चे वाले बाबा चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए, मुझे मेरे बाबा सच्चे चाहिए। मैं अपने बाबा को बचाने आई हूँ। मैं प्रेस कंट्रोल के साथ बैठी हूँ। मुझे बैठना नहीं चाहिए। मुझे बाबा को ढूंढना है। मेरे बाबा को बचाना है। जैसे मेरे बाबा कहाँ है? मैं जलाने की बैठी हूँ। मैं जलाने की खड़ी हूँ। पर क्या है मेरे बाबा? प्लीज मेरे बाबा को सच्चे छोड़ दो। मेरे बाबा चाहिए मुझे। मुझे मेरे सच्चे बाबा चाहिए। मुझे मेरे सच्चे बाबा चाहिए। मुझे मेरे बाबा चाहिए चाहिए सही सही चाहिए मुझे मेरे बाबा। इस तरह के बच्चों को पोएम पढ़ने चाहिए। वो मुतालबात कर रहे हैं और अपने बाबा की मुतालबात कर रहे हैं। ये उम्र मुतालबात का नहीं है। लेकिन वाजब है शेरी के इनामे दो रुचि दिर्रो दूचे ईद नहीं मुदाम जंग पसादिन दो रुचि ईद नहीं बेगिंदे शाद है रुचि पहर मुसलमाना बेगिंदे शाद है रुचि पहर मुसलमाना बलूच गां के गुलामी बलूच ईद नहीं। अब मैं एक और फैमिली है जिनका ताल्लुक मारीपुर से है और उनकी यहाँ वालिदा मौजूद हैं, जो कि पिछले दो हफ्तों से ज़ायद कैंप में भी बैठे हैं और ऐसी हालत में जिस हालत में मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो ये वो वजूहात हैं जो यहाँ पर खींच लाते हैं। मैं इमरान की वालिदा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंध इस्लामी के सामने अगर बैठूं तो आपको अच्छे लगते हैं? अगर हमारी तो अब दोपट्टों को पकड़ ले, हम औरत जात कहाँ जाएं अपने बच्चों के लिए? मैं इमरान बलोच की माँ हूँ। मैं दर बदर तुम्हारी टोकरे खा रही हूँ अपनी बेटे के लिए। ईद के दिन लोग ईद मना रहे हैं, मैं प्रेस क्लब के सामने बैठे हूँ खड़े हूँ ताकि हमारी बच्चे कामयाब हो जाए। हम नहीं चाहते मेरे बच्चों को बेगुनाह लेकर गए क्यों? मैं अपील करती हूँ आप लोगों के साथ, आप गुजारिश करो हमारी कुछ भी सुन लेना। हमारी माँ की तरह बहनों की तरह कहाँ तेरी अदालत, कहाँ है तेरी ताना? कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान के रहने वाले क्या किए हम लोग बलोचों ने? हमारे बच्चे जाते हैं दो वक्त रोटी कमाने को, उसको दो ड्यूटी के दौरान आपने लेकर गए क्यों? लेके उसका गुनाह उसका खता क्या है? उसको क्यों ये सजा दे रहे ताकि हम लोग ईद में इसके रास्ते देख देख के तड़प रहे? सारा रात अब जागते इसके लिए, दुआएं करते इसके लिए। ये क्या आपके पाकिस्तान ये है? उस बेगुनाह को आप इस तरह लेके जाते हैं, आकर उसकी खता गुनाह क्या है? और दो वक्त रोटी कमाने को जाते हैं तो उसको इस तरह ड्यूटी के दौरान लेके जाते हैं? आपकी अदालत में इंसाफ मिलते हैं, आपने इंसाफ के तराजू रखे हुए हैं, लेकिन आपके तराजू में क्या है? कोई इंसाफ नहीं है। हम कहाँ जाएं अपने इंसाफ लेने को? हम कहाँ जाए आप पता? हम भी एक माँ, आप माँ की तड़प देख रहे हैं, अब किस तरह से गुजारिश करें हमारे बच्चों को कामयाब कर ले? आपकी मेहरबानी, आप लोगों की मेहरबानी है। जहाँ भी लेके गए हम लोग को तो दिखा दे मेरे बच्चे कहाँ है, ताना है वहाँ लेके। अगर गुनाहगार है तो उसको गुनाह सजा दिखा दे हमें लोगों को। हमें एक बच्चों की गुनाह क्या है? हमारे बच्चे क्यों लेके इमरान को? इमरान ड्यूटी पे गए, ड्यूटी के दौरान आपकी कानून ये है हमारे बच्चों को ड्यूटी के दौरान पे लेके जाए? आपके पाकिस्तान इसी को बोलते हैं। हम लोग क्यों रह रहे हैं पाकिस्तान में? हम लोगों को
किताब या नहीं मिलते हैं तो हम लोग कहाँ जाए आप बता दो। आपके तराजू में क्या है? अपने अदालत में रखे तराजू, वहाँ इंसाफ नहीं मिलते तो अपने तराजू निकाल के फेंक दे, या कोई दुकानों में रख दे राशन चाप की। क्यों हमें इंसाफ नहीं मिलते हैं? क्या हम कहाँ जाए? सिंध इस्लाम के सामने हम बैठे तो आपको अच्छा लगते हैं? हम लालो चौकनी, अब कितने दिनों से यहाँ प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं अपने बच्चों के लिए। आज ईद है, दुनिया ईद मना रहे हैं, दुनिया खुशियाँ कर रहे हैं, दुनिया लोग अपने कपड़े नहीं खरीद के पहन रहे, पहने हुए हैं, अपने लोगों से मिल जुलते हैं। हम आके यहाँ प्रेस क्लब के सामने अपने बच्चों के बात आपके लिए के सामने तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रही है, वैसे हो आप लोग सुनते भी नहीं हो। क्या आपकी कानून ये है? हम लोग को इंसाफ अगर नहीं मिलते तो हमको इंसाफ दिला दे। क्या किया मेरे बेटे ने? क्या गुनाह किया मेरे बेटे ने? मेरे बेटे की गुनाह मुझे दिखा दे मुझे बेटे की। हम लोग खाते हैं, पता नहीं उसका ना खाते कहीं, पानी पीते हैं ही नहीं। ड्यूटी के दौरान वर्दी पहना हुआ है, इतनी गर्मी में कौन पहन सकते है इतनी गर्मी वर्दी? मेरे बच्चे की हालत पता नहीं क्या। मैं अपील करती हूँ आप लोगों से, ऐसा नहीं करो, जुलम ना करो, अपने जुलम को भी कानूने बंद करो। ये बंद आपका अदालत है, उसको अदालत में पेश किया जाए। मेहरबानी आपका, मेरे बेटा इमरान को आप लेकर आए, एक कानून में नहीं बनता है, उसे ड्यूटी के दौरान लेके जाए, गैर कानूनी काम करते हो आप लोग। आपकी पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान कहलाने के लायक भी नहीं हो, हम पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान के लोग ये हैं। पाकिस्तान में क्या क्या नहीं हो रहा है, इस तरह बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। मायर आगे देखे अपने बेटों के कब आएगी कब आएगी। अगर बच्चा बच्चा एक घंटे भी लेट हो जाते हैं तो माँ की हाल कैसी होती है? अभी मेरे बेटे को 3 महीना हो रहा है, 2 महीना तो चलेगी, अभी तीसरे महीना उसके तीसरे महीने से वो घूम गई। कोई नाता ना पता, कुछ हमें पता था, हमें मालूम करे तो हमारे बेटे को वही लेकर जाए थाने में, अगर जुर्म किया तो उसे निकाल दे। अभी जुर्म क्या, गुनाह किया, क्या क्यों उसको सजा न दे रहे? क्यों क्यों तड़प रहे हम लोग, क्यों अपने बच्चों के लिए? क्या हमने अपने बच्चों के इसके लिए पाला ताकि वो चाहे अपने ड्यूटी के दौरान को लेकर जाए? आपकी कानून ये है, आपकी कानून ये है, हम खुश हैं, हम अपने पाकिस्तान में रहते हैं। अगर मैं बोलती मैं पाकिस्तान में क्यों रह रही हूँ? मेरा बेटा बेगुनाह है, बेकसूर है, उसका गुनाह हमें दिखा दिया जाए। हाफ कानून है, हाँ पकड़ने वाले हो तो हमारे बेटे के गुनाह में पेश किया जाए। एक मुलाजम 2 वक्त की रोटी कमाने वाले कैसे में काम करती है, कैलेक्टर की ड्यूटी के दौरान वो लेके गया था उसमें वर्दी पहने हुए, आज तक वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? एक सुराग भी नहीं दिखा देती हमें। अब अपने बच्चों को वहाँ देख ले, बड़े बच्चे पता नहीं भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ पहने हैं ना है नहीं। हम माओ की आज देख ले, उनकी 2 बेटियाँ बच्ची हैं,
उनको भी आलम देख लिया। लोग ईद मनाते हैं, हम भी याद होते हैं अपने बच्चे के प्रेस क्लब के साथ। हमारी गुनाह हमारी खताएं हमारी बेटी की, जो भी बेगुनाह बेटे को क्यों ले गए, हमें दिखा दो। हमारे बेटे को दिखा दो, इमरान बलोच को दिखा दो। मारीपुर में रहने वाले हैं, हम मारीपुर में रहते हैं, हम असल से पाकिस्तानी हैं, हम कहीं से नहीं हैं, हम यही रहने वाला है। सबको पता है हम कहीं नहीं रहते। हमारे बेटे 10 साल से मुलाजमी कर रहे हैं में, आज तक उसके नाम कोई नहीं लेते। अब भी जाके पूछ लो सारे कि भाइयों परेशान, बहन परेशान, बाप परेशान, बाप मजबूर है, बच्चों के लिए सब लोग देख रहे हैं। आप लोग सब लोग ईद खुशियां मना रहे हैं, हमारे लिए ईद ही भी नहीं है। हम ईद को ईद भी नहीं समझ रहे, कितने बड़े दिन हमारे लिए एक परेशानी के दिन। हम अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं ताकि हम भी बोले मैं भी ईद मना लेते थे। सारे रात सारे दिन में अपनी बेटी के इंतजार करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज तक हमें पता ही नहीं चला मेरा बेटा कहाँ है। हमारी बेटा, हम आपसे अपील करते हैं, मेरे बेटे को बाध्याप कर लो, बाध्याप कर लो, बाध्याप कर लो।